जेवरात की दुनिया में खुबरा ज्वेलर्स का एकदम अनोखा काम। 0% पर शुरू किया गया है कारोबार। नो मेकिंग चार्जेस, नो वेस्टेज। अवाम की सहूलियत के लिए खुबरा ज्वेलर्स की तरफ से पेश किया जा रहा है यह गोल्डन चांस, क्योंकि अब तक जेवरात की मार्केट में अवाम से मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज के नाम पर जेवरात की खरीदी के दौरान ज्यादा रकूमत वसूल किए जाते हैं। मगर अब मौजूदा दिनों में खुबरा ज्वेलर्स ने इसके बरक्स खासकर सारी अवाम की सहूलियत के लिए ज्वेलरी की मार्केट में 0% पर कारोबार का आगाज करते हुए सभी को हैरानी में डाल दिया, जिनके पास कोई ये ऑफर के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि लॉन्ग लाइफ मुख्तलिफ और शानदार डिज़ाइन के जेवरात के अलावा डायमंड ज्वेलरी को सेल किया जाएगा। और कुबरा ज्वेलर्स का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता MLS हल्के संबली नामपल्ली के जाफर हुसैन मेराज के अलावा हल्के संबली मलकपेट के अहमद बलाला ने 20 जुलाई चारशंबे को बाद नमाज जोहर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर AIMIM के कारवान MLA कौसर मुहीउद्दीन, यूताइकान व हल्के असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा कॉरपोरेटर्स, दत्तात्रेय नगर डिवीजन के जाकिर बाखरी, शेखपेट डिवीजन के राशिदुद्दीन फराज और AIMIM के सरगर्म लीडर तैयब व दूसरे भी मौजूद थे। जहां सईदाबाद की एक फेमस बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले तीन भाइयों मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद अब्दुल कलीम और मोहम्मद अब्दुल करीम की निगरानी में कुबरा ज्वेलर्स को 0% पर हैदराबाद में पहली बार आगाज़ किया गया है। जी हां, कुबरा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम में रेतीबौली रोड पर पिल्लर नंबर 45 के रूबरू मौजूद है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर सोने के जेवरात का सेक्शन रखा गया है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल या तौर पर अलहदा डायमंड्स के जेवरात का सेक्शन बनाया गया है। इस मौके पर AIMIM के MLS जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, कौसर मुहीउद्दीन के अलावा कॉरपोरेटर्स, जाकिर बाखरी, राशिदुद्दीन फराज और सरगर्म लीडर तैयब ने कुबरा ज्वेलर्स का तफसीली मुआयना भी किया और तीनों भाइयों मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद अब्दुल कलीम और मोहम्मद अब्दुल करीम को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके साथ अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया, जहां इन तीनों भाइयों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले सभी हजरात का शुक्रिया भी अदा किया। जहां मोहम्मद अब्दुल नईम ने कुबरा ज्वेलर्स के ताल्लुक से बताई है मजीद तफसील, तो चलिए पेश है यहाँ के कुछ मनाजिर और उनका ये बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़ हैदराबाद। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुबरा ज्वेलर्स के नाम से जो शोरूम मेहदीपट्टनम पर पिलर नंबर 45 पर जो ओपन किए हैं, ये हैदराबाद की आवाम और तेलंगानी आवाम के लिए एक हसीन मौका फरहम किए हैं, जिसके अंदर 0% वेस्टेज और 0% मेकिंग रहेगा। और ये पहला मौका है और हमने तेलंगाना के पूरे कस्टमर्स के लिए वेस्टेज और मेकिंग से छुटकारा कर दिया है, यानी अब वेस्टेज और मेकिंग को हम इस चीज़ से निकाल दिए। अदर शोरूम, जितने बड़े शोरूम्स हैं उसके अंदर वैट की शक्ल में, वेस्टेज की शक्ल में, मेकिंग की शक्ल में 20% एक्स्ट्रा लगाते थे, लेकिन हम उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और आने वाले दिनों में और भी हमारे ब्रांचेस डलेंगे, जिसके ज़रिए से हम कस्टमर को बगैर वेस्टेज के, बगैर मेकिंग के आइटम्स देंगे। और जितने बड़े मल्टी शोरूम्स है, जितने मल्टी नेशनल कंपनीज है, 12 से 20% के दरमियान वेस्टेज चार्जेस लगाते हैं, लेकिन हम इस चार्जेस को आप यहाँ से आज के दिन से इस चीज़ को हम ख़त्म कर दिए हैं। बगैर वेस्टेज, बगैर मेकिंग के आपको आइटम्स देंगे और जो हमारे रेट्स रहेंगे, वजन सोने के वजन जो डालेंगे, हमारे पास सिल्वर ज्वेलरी से इटालियन सिल्वर से लेकर प्लेन गोल्ड, आप कलकत्ता वर्क के आइटम, तुर्की के आइटम्स, आप जो चाहे आइटम, ट्रेडिशनल निज़ाम ट्रेडिशनल आइटम जो चाहे आप, बगैर वेस्टेज, बगैर मेकिंग के हम उनको बनवा के देंगे। और हमारे पास डायमंड के जो रेंज रहेंगे, अदर शोरूम से पर कैरेट 20,000 रुपये का फ़र्क होगा, और जो लोग मार्केट के अंदर 70,000 रुपये पर कैरेट से जो डायमंड्स के रेट लगा रहे हैं, जो इनिशियल स्टेज के डायमंड्स हैं, हम 50,000 से 52,000 की रेंज में हम वो चीज़ों को कस्टमर को फराहम करेंगे। एकदम होलसेल शोरूम और छोटे कारोबारों के, कारोबार जो करते हैं उनके लिए भी हमने दरवाजे खोल दिए हैं, और उनके लिए भी एक भरोसेमंद चीज़ 916 हॉलमार्क की शक्ल में हमारे पास से लेके आके वो भी तिजारत कर सकते हैं, वो भी बिजनेस कर सकते हैं। हमारा ये देन कस्टमर को एक बेनिफिट और एक ऐसा मौका है, जो 40 साल से जो लोग ये काम कर रहे हैं, कोई 30 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग मिनिमम 10% वेस्टेज भी लगा के चार्ज करते हैं, चाहे वो कोई भी शोरूम हो, लेकिन हम
हर चीज को आज खत्म कर चुके हैं और बगैर विस्तृत बगैर मीटिंग के मेकिंग के हम आइटम देंगे और ये कस्टमर को बेनिफिट एक हसीन मौका है और उनकी आंखों को हमने खोल दिया है, कस्टमर की आंखों को हमने खोल दिया है ताकि बगैर विस्तृत बगैर मेकिंग के लिए हमारे पास तशरीफ लाए। वो कौन से भी कस्टमर्स हो, तेलुगु कस्टमर हो या मुस्लिम कस्टमर हो, बगैर तर्गू के बगैर वेस्टेज के हम उनको आइटम देंगे और हमारे रेंज आपको रिंग्स टॉप्स नाक की नोस्पिन से लेके आला दर्जे के बड़े बड़े सेट्स हमारे पास निजाम ट्रेडिशनल के आइटम्स, डायमंड के सेट्स, कफलिंग्स, शेरवानी के आइटम्स, एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। हर चीज़ की हम फरहमी कस्टमर को करेंगे और ऑर्डर्स के भी हमारे पास बड़े बड़े रेंज हैं, वो भी वो लोग फरहम कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। तो आप लोग वेस्टेज की आप बात करें तो पर तोला एक नॉर्मल हाँ, कितना आपको तो बेनिफिट होगा, वो डायरेक्ट बताइए। बेनिफिट का एक तोले के ऊपर कस्टमर की बचत से 4 से 5 हज़ार रुपए की बचत होगी तेलंगाना। हाँ, पूरे तेलंगाना के कस्टमर के लिए, पूरे हैदराबाद के मुकम्मल कस्टमर्स के लिए हमने एक एक तोले पे 4-4 हज़ार रुपए की छूट रखी है। ये कोसे अदर शॉप पे नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आइटम्स हम बनाते हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे जो सेल्स का जो तरीका है, हम कस्टमर को बगैर वसीयत और बगैर मेकिंग के मिनिमम 1-1.5% के बिजनेस पे हम उनसे कारोबार करते हैं। लेकिन अदरवाइज ये इसके अलावा जो दूसरे चीज़ें अदर शोरूम्स जितने भी बड़े शोरूम्स हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, 12-20% तक के उनके अदर चार्जेस है, यानी 1 लाख के अगर कोई आइटम उनके पास से लेंगे तो 12-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन हम वो कोई चार्जेस नहीं लेंगे। कस्टमर्स के लिए बेहतरीन मौका है, हमारे पास तशरीफ लाइए, हमसे कंसल्ट करिए, हम उनकी सही निगरानी करेंगे, सही सरपरस्ती करेंगे, सही गाइडलाइन करके उनको हम अच्छे से अच्छे आइटम्स देंगे। पहला स्टोर है आपका? जी जी, ये हमारा होलसेल बिजनेस शुरू से था, हमारा अदर शोरूम्स में हमारे कारोबार थे, ये पहला शोरूम है। इंशाल्लाह आइंदा सिटी के अंदर, पूरे ट्विन सिटी के अंदर हमारे और 2-3 ब्रांचेस अनखरीब खुलने वाले हैं और अनखरीब हमारे और 2-3 ब्रांचेस अनखरीब खोल देंगे 5-6 महीने के अंदर। मैं ये बिजनेस के अंदर 23 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ, 18 साल की उम्र से मैं इस बिजनेस में हूँ, आज मेरी उम्र 40 साल है। तो उस टाइम से मैं बगैर वेस्टेज और बगैर मेकिंग से कोई कस्टमर्स को देते हुए नहीं देखा कोई शोरूम को, लेकिन आज के पीरियड में मैंने पूरा 22 साल का अपना तजुर्बा लगाते हुए, कस्टमर्स को देखते हुए, नज़र रखते हुए मैंने एक नया तरीका इख्तियार किया और बगैर वेस्टेज और बगैर मेकिंग के कस्टमर्स को हम लोग देंगे।